Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. आज हम लेसन सेकंड को पढ़ रहे हैं. लेसन सेकंड का स्टार्टिंग पार्ट हम कर चुके हैं. फर्स्ट लेसन में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा. रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज. अब हम सेकंड लेसन के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ पार्ट जैसे लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं, लैंड यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम सोयल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. सोयल रिसोर्सेज भी हमारा लैंड रिसोर्सेज का ही पार्ट है. सोयल क्या है या व्हाट इज सोयल? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोयल. मिट्टी या मृदा, पृथ्वी की जो ऊपर वाली सतह है या सरफेस है उस पर जो दानेदार मिट्टी है या दानेदार मिट्टी का जो पतला सा कवर है उसको हम बोलते हैं सोयल. जो हमारी लैंड है वो सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी, लेकिन वो उसकी मिट्टी पर डिपेंड है कि वो उसकी मिट्टी हार्ड है या सॉफ्ट है. तो जो ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस, दानेदार मिट्टी से जो हमारी सरफेस ढकी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? सोयल बोलते हैं. इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. ये जमीन से क्लोजली लिंक है. क्या? सोयल. लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोयल. जितने जिस प्रकार की लैंड फॉर्म है, जैसे हमारी रॉकी लैंड फॉर्म है, माउंटेन लैंड फॉर्म है या प्लेन लैंड फॉर्म है, उसी से हम जो टाइप ऑफ सोयल है उसको निर्धारित करते हैं. सोयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. यानी कि मिट्टी में जो मिट्टी का निर्माण है वो चट्टानों के टूटने से या चट्टानों के द्वारा टूटने के बाद जो मिनरल्स हैं उनके द्वारा भी मिट्टी का निर्माण हो सकता है या होता है. वेदर्ड रॉक्स या चट्टानों का कई रीजन से टूटना, फाउंड ऑन द अर्थ जो चट्टाने हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं उन्हीं के टूटने से हमारी क्या बनती है? सोयल बनती है. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही मिट्टी का निर्माण होता है. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल. जो हमारी सोयल है उसके अंदर किसका मिक्स मिलता है? मिनरल्स का. एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोयल फर्टाइल. और जो जैविक पदार्थ हैं वो भी हमारी सोयल को क्या बनाते हैं? फर्टाइल बनाते हैं, यानी उसको उपजाऊ बनाते हैं. व्हाट इज वेदरिंग? द ब्रेकिंग अप एंड द डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी. कई बार मनुष्य की एक्टिविटी से भी या पशुओं की एक्टिविटी से या टेम्परेचर के चेंज के कारण हमारे जो रॉक्स हैं उनमें क्या होता रहता? परिवर्तन होता रहता. आपने सेवन्थ क्लास में पढ़ा भी होगा कि कैसे हमारी रॉक्स में चेंज होता है, कैसे इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है. तो लुक एट दिस पिक्चर. ये हमारी जो सोयल है उसका पिक्चर बताया गया है कि टॉप सोयल विद ह्यूमंस एंड वेजिटेशन. जो ऊपर की परत है जिसमें हम क्या उगाते हैं? क्रॉप, फसलें उगाते हैं या ग्रास अपने आप उग जाती है. ये ग्रीन जो घास दिखाई देती है ये हमारी टॉप सोयल विद ह्यूमंस एंड वेजिटेशन, जिसमें वनस्पति के साथ कुछ ह्यूमस भी मिले हुए हैं. सेकेंड जो रेड टाइप की लेयर है, सब सोयल विद सैंड स्लीट्स एंड क्ले. इसमें क्या है? बालू रेत की तरह गाद या मिट्टी के कुछ कण मिले होते हैं. थर्ड जो येलो पार्ट्स है, वेदर्ड रॉक मटेरियल. इसमें क्या है? रॉक्स मटेरियल है, टूटा फूटा हुआ. और लास्ट हमारा पेरेंट्स रॉक है, बिल्कुल चट्टाने हैं जिससे चट्टाने बनती टूटती फूटती रहती हैं. एक चट्टान से दूसरी चट्टान और तीसरी चट्टान बनती रहती है. अब डू यू नो, ये बात आपको जाननी हो जरूरी है कि इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोयल्स.
एक सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में हजार सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सोयल है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए इसका हमने अच्छे ढंग से उपयोग करना भी जरूरी है। अब हम देखेंगे कि सोयल फॉर्मेशन का कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसका निर्माण किन फैक्टर से होता है। द मेजर फैक्टर्स ऑफ द सोयल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट्स रॉक्स एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो मेन हमारे फैक्टर हैं या तत्व हैं वे क्या हैं हमारे, ज़्यादातर नेचर ऑफ द पेरेंट्स रॉक, जो नेचुरल रूप से जो प्राकृतिक चट्टाने हैं उनके टूटने फूटने से, या क्लाइमेटिक या जलवायु कुछ तत्व हैं जिनसे हमारी सोयल का बदलाव होता रहता है, निर्माण होता है। अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी यानी कि हमारी जो स्थल आकृति है, प्लेन्स है, माउंटेन है, डेजर्टिक है। रोयल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल या कितना जो जैविक पदार्थ है वो किस प्रकार हमारी मिट्टी में मिल रहे हैं। टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन, किसी मिट्टी को बनने में उसको कुछ टाइम खाली छोड़ना या उसको कुछ टाइम देना। ऑफ सोयल फॉर्मेशन, ये हमारी मिट्टी के निर्माण के कंपोजिशन हैं। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सब फैक्टर अलग अलग होते हैं अलग अलग स्थानों पर। लुक एट दिस डायग्राम, ये सोयल के फाइव क्या हैं फैक्टर हैं जिससे हमारी सोयल फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो क्लाइमेट में क्या क्या है, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमन फॉर्मेशन, ये सब पार्ट हमारे सोयल के फॉर्मेशन में आवश्यक है। सेकेंड इज टाइम, हमारी मिट्टी को कुछ टाइम देना जरूरी है। डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सोयल प्रोफाइल, कि जो मिट्टी है उसमें कितनी मोटाई होगी ये उसका टाइम के द्वारा निश्चित होगा। फ्लोरा फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजम अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पेड़ पौधे, वनस्पति या जो जीव जंतु हैं या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनाइजम हैं उनके द्वारा भी हमारी मिट्टी के निर्माण को निर्धारित किया जाता है या प्रभावित किया जाता है। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ द सोयल, इसमें जो ऊंचावच है, ढाल है, ये भी मिट्टी के कुछ निर्धारक तत्व हैं। पेरेंट्स रॉक डिटरमाइंस कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमीबिलिटी, तो ये किसी भी मिट्टी के गठन में या बनाने में कोई जैसे रॉक्स है उसका कलर, उसका गठन, उसके केमिकल रिएक्शन क्या होंगे, उसके अंदर मिनरल की मात्रा कितनी होगी, ये सब हमारी मिट्टी के निर्माण में निर्धारित तत्व हैं। ये सब क्या फैक्टर हमारे जो सोयल इंफॉर्मेशन में काम आते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, डिग्रेशन ऑफ सोयल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेशन ऑफ सोयल होता है मिट्टी के अंदर कमी आना, या एंड कंजर्वेशन मेजर उसके उपाय क्या हैं, सुरक्षित रखने के उपाय। हमारी जो मिट्टी में कमी आती जा रही है, जैसे हम किसी ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग कम होती चली जाएगी। तो उसकी फर्टिलिटी को बचाने के लिए या बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या काम करने होंगे। सोयल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सोयल एज ए रिसोर्सेज। जो हमारी मिट्टी का संसाधन है उसमें सबसे बड़ा मेजर थ्रेट क्या है, खतरा क्या है, सोयल इरोजन होना यानी मिट्टी का अपरदन होना, जैसे मिट्टी का पानी के साथ बह जाना, हवा के साथ उड़ जाना, एंड डिप्लेशन यानी कि मिट्टी के अंदर कमी आना, ये मेन हमारे लिए खतरे बने हुए हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स यानी कि मनुष्य के द्वारा और प्रकृति के द्वारा भी कैन लीड टू डिग्रेशन ऑफ सोयल, दिन प्रतिदिन हमारी मिट्टी के अंदर कमी लाई जा रही है। फैक्टर विच लीड टू सोयल डिग्रेशन आर डिफोरेशन, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा हमारी सोयल के अंदर कमी लाते जा रहे हैं वो है डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा काटना। सेकेंड, ओवरग्रेजिंग, पशुओं को ज़्यादा चराना। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, हम जो अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं या पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो ज़मीन पर उसका गलत असर हो रहा है। रेन वॉश, ये हमारे नेचुरल इफेक्ट हैं, जैसे ज़्यादा बारिश के अंदर पानी के साथ मिट्टी का बह जाना या लैंडस्लाइड हो जाना एंड फ्लड, या बाढ़ के कारण हमारी मिट्टी की जो ऊपर वाली परत है वो उसके साथ बह जाती है और उसके साथ उसकी फर्टिलिटी भी कम होती चली जाती है। ये क्या रीज़न है हमारी, डिग्रेशन ऑफ द सोयल। लेकिन हम इसको कमी को ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा, इसके लिए हमें कुछ ऐसे बचाव के तरीके सोचने होंगे जिससे हम अपनी सोयल को
सुरक्षित रख सकें। सम मेथड ऑफ सोयल कंजर्वेशन आर लिस्टेड, जो कुछ मेथड नीचे दे रखे हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा, इट हेल्प्स टू रिटेन सोयल मॉइस्चर। जो हमने कहीं क्रॉप्स को ग्रो कर रखा है और उस क्रॉप्स के बीच में कहीं भी जो खाली जमीन है, बीच बीच में खाली जमीन में हमें ऑर्गेनिक जैविक पदार्थों की, जैसे घास की एक अलग से लाइन लगा देनी चाहिए, तो जिससे उसमें जो मिट्टी की मॉइस्चर है वो उसमें बनी रहती है। इसको बोलते हैं मल्चिंग करना, यानी मल्च बनाना। हमने जैसे पौधे लगा दिए, पौधे के बीच में खाली जो जमीन है, खाली जमीन के बीच में घास को उगाना, अलग से घास को लगाना ही क्या कहलाता है, मल्चिंग कहलाता है। और घास की मदद से ही हमारी जो मिट्टी है उसकी नमी बनी रहेगी, सूखेगी नहीं। ओके, सेकंड मेथड, कंटूर बैरियर्स। स्टोन, ग्रास, सोयल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। ट्रेंच आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। इसमें हम क्या करेंगे, पत्थरों के द्वारा, घास के द्वारा जो कुछ बैरियर बनाए जाएंगे ताकि मिट्टी को बहने से रोका जा सके। हम पत्थर लगाकर मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं या घास उगाकर मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं। और मिट्टी का जो पानी है, जैसे हमने पत्थर लगा दिया, तो पत्थर से पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेंच बनाएंगे ताकि पानी हम फसल को दे सकें। ट्रेंच आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर, जो बैरियर है उसके सामने हम नालियां बना देंगे ताकि पानी इकट्ठा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज रॉक डैम। डैम होता बांध बनाना, चट्टान लगा के पानी को रोकना। रोक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द वाटर। जैसे पानी का माउंटेन एरिया में है, जैसे पानी का बहाव एकदम तेज होता है, तो उस पानी के बहाव को स्लो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए क्या लगाएंगे हम, रोक, चट्टानी लगा देंगे सामने। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सोयल लॉस, जो इससे होने वाला जो फर्दर सोयल, जो मिट्टी का आगे होने वाले लॉस को हम रोक सकते हैं, और साथ साथ जो नालियां बना रखी हैं उनको भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो थ्री टाइप ऑफ मेथड हमने पढ़ा, मल्चिंग पढ़ा, कंटूर बैरियर पढ़ा और रोक डाउन पढ़ा। इनमें से कुछ की हैं आप पिक्चर देख सकते हैं, जैसे टेरेस फार्मिंग, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कंटूर फॉलिंग, इसके बारे में भी आगे देखेंगे, और शेल्टर बेल्ट। ये थ्री एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, मेथड ऑफ कंजर्वेशन सोयल। ओके, नेक्स्ट हमारा टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, देयर रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सोयल इरोजन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बड़ा एरिया बनाने के लिए, ब्रॉड फ्लैट स्टेप यानी कि एक बड़े एरिया को तैयार करने के लिए, जैसे माउंटेन एरिया पर है, ढलवा एरिया पर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लैट सरफेस तैयार करने के लिए बीच बीच में क्रॉप्स को उगाएंगे ताकि दे रिड्यूस सरफेस, जो बारिश का होने वाला पानी है रन ऑफ होने से रोका जाए, ज्यादा तेजी से बहने से रोका जाए, और सोयल इरोजन को भी हम रोक सकते हैं। इस तरह से हमें टेरेस फार्मिंग करनी होगी ताकि अलग अलग टुकड़ों में बांटकर हम क्या बना सकें, एक एरिया बना सके जिसमें हम फसल उगा सके। एक बड़े एरिया की बजाय उसी बड़े एरिया में हम छोटे छोटे प्लॉट बना सकते हैं, उस प्लॉट से ही हम क्या कर सकते हैं ताकि हम अपनी ग्रो कर सके, किसको, फसल को। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन द अल्टरनेटिव रो एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सोयल फ्रॉम रेन वास, यानी कि हम अलग अलग फसलों का ही एक स्थान पर उगाई करना, एक साथ एक ही फसल की बजाय दो या तीन फसल को हम एक साथ ग्रो कर सकें। इससे क्या होगा कि उसकी जो मिट्टी का बहना है पानी के साथ वो कम हो जाएगा, मिट्टी को हम बहने से रोक सकते हैं, पानी के साथ बहने से रोक सकते हैं। थर्ड इज कंटूर प्लोइंग। प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। जैसे आप माउंटेन एरिया में हम अगर ढाल के साथ साथ ही खेत की मिट्टी की जुताई करेंगे तो पानी जल्दी बहकर नीचे आएगा। अगर हम खेत की जो जुताई है वो उसके अपोजिट साइड में करते हैं तो उस पानी के बहाव को हम कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, किसके द्वारा, कंटूर प्लोइंग के द्वारा। खेत का इस तरह से हम मिट्टी को प्लो करेंगे ताकि पानी ज़्यादा मात्रा में एक साथ न बहे।
नेक्स्ट है सेल्टर बेल्ट, यानी कि एक इस तरह से बेल्ट बनाना। ये बेल्ट कहाँ बना सकते हैं? इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, जहाँ सूखा एरिया है, यहाँ जहाँ हम जैसे सी या ओशियन के जो लगते हुए हमारे एरिया हैं उनको हम बोलेंगे कोस्टल एरिया। रोज ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों की एक पंक्ति लगाना। आर प्लांटेड टू चेक, किसको रोकने के लिए? द विंड मोमेंट, जो तेज हवाएं वहां चलती हैं उनको रोकने के लिए, ताकि जो हमारा सोयल का ऊपर वाला कवर है उसको हम रोक सके, नहीं तो तेज हवा के साथ सोयल का ऊपर वाला जो सरफेस है वो हवा के साथ उड़ जाएगा। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? सेल्टर बेल्ट लगाएंगे, एक लाइन में हम पौधों को लगाएंगे, ताकि तेज हवाएं तो जो मिट्टी उसके साथ है वो पेड़ों के साथ ही टकरा कर वहीं गिर जाए। तो ये क्या थे हमारे सम मेथड टू कंजर्वेशन ऑफ द सोयल। जैसे हम इस एक्टिविटी को देखते हैं, टेक टू ट्रेज ए और बी, इसमें हमने दो ट्रेज को लिया है, मिक्स होल्स एट वन एंड, इसमें एक होल हमने किया है, एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट, दोनों में सेम मिट्टी डालेंगे, लीव द सोयल इन ट्रे, इसको ट्रे में छोड़ देंगे। ए ट्रे के अंदर हम क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे। ए बेयर खाली छोड़ेंगे, वाइल शो वीट और राइस ग्रेन इन द ट्रे बी, सेकंड में हमने या तो कुछ अनाज के दाने गेहूं के डाल दिए या कुछ चावल के डाल दिए थे। दैट दे आर ऑन ए स्लोप, दोनों स्लोप ढलवा कर दिया गया है। प्योर वन मग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम हाइट इन टू ईच ट्रे, दोनों पर हम एक मग से द्वारा पानी डालेंगे। क्लोज द मडी वाटर दैट ट्रिकल डाउन द होल ऑफ द बो, दोनों उस होल के नीचे हम एक बर्तन रखे उस पानी को इकट्ठा करेंगे। ट्रे इन टू सेपरेट कंटेनर एंड कंपेयर हाउ मच द सोयल इज वॉश्ड आउट ऑफ द ईच ट्रे, तो इससे क्या कंपेयर करेंगे कि जो जिस मिट्टी में हमने क्या नहीं किया, कोई भी फसल या ग्रास को हमने ग्रो नहीं किया, तो उसकी जो मिट्टी वो ज़्यादा बहेगी, और जिसमें हमने ग्रास या फसल को ग्रो कर रखा है उसकी मिट्टी कम बहेगी। तो ये एग्जाम्पल है हमारी अपनी मिट्टी को सेव करने का या कंजर्व करने का। ओके स्टूडेंट, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी कल करेंगे।